बिहार चुनाव के लिए थोड़ी देर में बीजेपी खोलेगी वादों का पिटारा, जारी करेगी विजन डॉक्यूमेंट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी गई है जिम्मेदारी, बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव, बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस रहेंगे साथ। बिहार में चुनाव से एन पहले बीजेपी की प्रचार मुहिम को झटका, शाहनवाज हुसैन कोरोना पॉजिटिव। शाहनवाज हुसैन ने किया ट्वीट, अपने संपर्क में आने वाले लोगों से टेस्ट कराने की अपील की। कोरोना के शक में घिरे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, सुशील मोदी और राजीव प्रताप रूड़ी भी आइसोलेट। बिहार चुनाव में पीएम मोदी की धुआंधार रैलियां, 23 अक्टूबर को सासाराम में पहली रैली। पहली और तीसरी रैली में साथ रहेंगे नीतीश कुमार, बाकी रैलियों में जेडीयू का कोई बड़ा नेता होगा साथ। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया नया पोस्टर, नीतीश और सुशील मोदी को बताया मौका मंत्री और धोखा मंत्री। लालू यादव ने लिखा, जनता ने नीतीश कुमार और सुशील मोदी को बहुत मौके दिए, मगर इन दोनों नेताओं ने जनता को हमेशा दिया है धोखा। बिहार चुनाव में तेज हुआ सियासी हमला, यूपी के सीएम योगी ने लेफ्ट को बताया नया कोरोना। आज तक से आरजेडी नेता तेजस्वी की एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा नीतीश अब थक गए हैं, उनसे नहीं संभल रहा बिहार। आज तक से बोले तेजस्वी यादव, 10 लाख नौकरी देने का प्लान और पैसा दोनों का है मेरे पास इंतजाम। सारण में नीतीश की मौजूदगी में लगे लालू जिंदाबाद के नारे, चंद्रिका राय के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे थे मुख्यमंत्री। लालू यादव का नाम सुनकर नीतीश का पारा चढ़ा, शोर मचाने वालों को लगाई फटकार। हल्ला मत करो, तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो। महाषष्ठी के अवसर पर आज कोलकाता में होने वाले दुर्गा पूजा में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे शिरकत। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कल शाम इसकी जानकारी साझा की, कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के लोगों से भी जुड़ने की अपील। पीएम मोदी कोलकाता के दुर्गा पंडाल का भी करेंगे उद्घाटन, बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है पंडाल। पीएम मोदी के संबोधन को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी, पश्चिम बंगाल के सभी 294 विधानसभा सीटों के सभी बूथों पर पीएम का प्रोग्राम दिखाने का प्लान। अगले साल पश्चिम बंगाल में होने हैं विधानसभा चुनाव, सूत्रों के मुताबिक दुर्गा पूजा कार्यक्रम में शिरकत के साथ ही बीजेपी फूंकेगी चुनावी बिगुल। एक्ट्रेस कंगना रनौत से पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस ने भेजा समन, 26 अक्टूबर को होगी पूछताछ। कंगना पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप, राजद्रोह का दर्ज किया गया था केस। कंगना की बहन रंगोली से भी मुंबई पुलिस करेगी पूछताछ, 27 अक्टूबर को रंगोली से पूछताछ। मुंबई पुलिस के समन पर कंगना का पलटवार, कहा पेंगुइन सेना के दिमाग में मेरे सिवाय कुछ और नहीं। कंगना ने ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार पर बोला हमला, कहा उनको मेरी बहुत याद आती है इसीलिए जल्द आऊंगी मुंबई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन आज, पीएम मोदी और सीएम योगी समेत कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं। हाथरस के पीएफआई कनेक्शन की एसटीएफ की विशेष यूनिट ने शुरू की जांच, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने की साजिशों की भी होगी जांच। देश में कोरोना से थोड़ी राहत, पिछले 24 घंटे में सामने आए 54,000 से ज्यादा नए मामले, 76,51,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने ली 717 लोगों की जान, अब तक 1,15,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए मामले, 16,09,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। कोलकाता हाईकोर्ट ने नो एंट्री वाले फैसले में दी थोड़ी ढील, अब पंडालों में 60 लोग कर सकते हैं प्रवेश। हाईकोर्ट ने भी पूजा पंडालों के एंट्री जोन में जाने की इजाजत दी, पंडाल के गेट के बाहर से बजा सकते हैं ढोल। कोलकाता के एक दुर्गा पंडाल में अनूठा नजारा, लॉकडाउन के दौरान घर लौट रही महिला को दिखाया गया देवी। कोलकाता में बना है मां दुर्गा का अनूठा पंडाल, हवा में झूलते फर्नीचर से सजा है पंडाल। एक और पूजा पंडाल में दिखा प्रवासी मजदूर का दर्द, सूटकेस पर बैठाकर बच्चे को लाती मां की बनी मूर्ति। विजयवाड़ा में बारिश के बाद कनक दुर्गा मंदिर के पास लैंडस्लाइड, कोई हताहत नहीं। सामने आई लैंडस्लाइड की सीसीटीवी तस्वीर, जान बचाकर भागते दिखे लोग। हादसे में 5 पुलिसकर्मियों को आई मामूली चोट, मलबे को हटाने का काम जारी।
गिरनार में रोपवे का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, मां अंबा जी के दर्शन करना होगा आसान। महंगे बिजली बिल के खिलाफ साड़ी बुनकरों की हड़ताल जारी, 5 दिन से छेड़ रही है मुहिम। दिल्ली के कड़कड़डूमा के पास बदमाश और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम के बीच मुठभेड़, एक कुख्यात अपराधी रुस्तम गिरफ्तार। रुस्तम पर एटीएम मशीन चोरी से लेकर कई और मामले भी दर्ज, 3.5 लाख रुपए नकदी, विदेशी मुद्रा, पिस्टल और जिंदा कारतूस जब्त। हिसार में किसानों ने सरकारी कर्मचारियों को बनाया बंधक, चेतावनी देकर छोड़ा। पराली में आग लगाने का था मामला, किसानों से जुर्माना वसूलने पहुंचे थे कृषि अधिकारी। पराली के धुएं से दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली, लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। आईपीएल में बैंगलोर का शानदार परफॉर्मेंस, अंक तालिका में नंबर 2 पर पहुंची टीम। कल के मैच में बैंगलोर ने कोलकाता को 8 विकेट से हराया, 14वें ओवर में ही जीता मैच। बैंगलोर की जीत के हीरो रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, 4 ओवर में सिर्फ 8 रन देकर 3 विकेट लिए। कोलकाता की टीम 20 ओवर में बना सकी महज 84 रन, यान मॉर्गन ने बनाए सबसे ज्यादा 30 रन। आज राजस्थान और हैदराबाद के बीच मुकाबला, अंक तालिका में ऊपर बढ़ने के लिए होगी जंग।